अवैध धान परिवहन व संग्रहण को लेकर व्यापारियों व कोचियों पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर आज भटगांव नायब तहसीलदार ने भटगांव के शंकर कृषि केंद्र पर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई में लगभग 132 कट्टा धान एवं 41 कट्टा चावल जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ग्राहक शंकर कृषि केंद्र में धान बेचने लाया था। उसी बीच नायब तहसीलदार ने गाड़ी खड़ी कर पूछताछ की, तब खुलासा हुआ। धान बेचने आए ग्राहक गोरेलाल साहू ने बताया कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही थी, तब व्यापारी से बात कर लगभग 16 कट्टी धान को 1200 रुपए क्विंटल पर बेचने लाया था। हालांकि व्यापारी धान को घर का होना बता रहा है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या खानापूर्ति कर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ एक व्यापारी है, व्यापारी के पास में छापा मार कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा मामला और क्या मिला इस पार्ट पे? इस पार्ट में नायब तहसीलदार ममता ठाकुर के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हम लोग अपने कार्यालय कार्य से बुलाया गया था, हम लोग आए हैं, उसके बाद में उसका जो हुआ है तो जप्तीनामा जाँच करके जप्तीनामा बनाया है। व्यापारी से पूछताछ की आपने? हाँ, पूछताछ की। क्या बताया व्यापारी? व्यापारी ने बोला कि वो किसान का धन वो धन है, वही बोला है व्यापारी। वो जिस समय आप लोग छापा मार कार्रवाई की उस दौरान तोल रहे थे क्या धान को? नहीं, देखा नहीं। कितना था अंदर में, क्या क्या था? धान ही था कि और कुछ था? 132 कट्टा धान है और 40 कट्टा चावल। है आपका? गोरेला साहू। कहाँ से हो आप? भटगांव का। यहाँ आप धान लेकर के आए थे क्या? धान लेकर आया था बेचने। कितना लेकर के आए थे? पता नहीं, 16 कट्टी होगा। क्या चीज के लिए लाए थे आप? पैसा की जरूरत है। क्या बोल के लाए थे वहाँ? लूंगा का तो बोल के लाया। क्या रेट पे लूंगा बोला था? 1200।